एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फातिमा, वेलकम टू माय चैनल ऑर्गेनिक किचन गार्डन बाय डॉक्टर फातिमा। फ्रेंड्स, देखिए हमारे जो टोमेटोज़ हैं, टमाटर हैं, आप देखिए उसमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग दोनों स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज मैं इसका वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, इसमें हमने दो तरीके की वैरायटी के यहाँ टोमेटोज़ लगा रखे हैं, और एक ये हाइब्रिड बीज वाली वैरायटी है। तो आप देख सकते हैं इसका भी प्लांट कितना लंबा है, बट अभी इसमें ये वाला इसमें अभी फ्रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। और ये हमारा देसी प्लांट है, आप देख सकते हैं इसमें कितने ढेर सारे वो फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग। आप देख सकते हैं किस तरीके से, ये इसी की ब्रांच है, ढेर सारे इसमें टोमेटोज आ रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से आप देख पा रहे होंगे, माशाल्लाह से किस तरीके से कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है इनकी। और देखिए, आप किसी भी जगह देखेंगे, आपको हर जगह टोमेटोज़ के प्लांट ज़रूर दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और एक कोई ऐसा प्लांट नहीं है जिसमें फ्रूटिंग स्टार्ट ना हुई हो। देखिए छोटे छोटे टोमेटो कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में। और हमने इन्हें अब से करीब 20-25 दिन पहले लगाया था, और देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर गए हैं हमारे प्लांट। बहुत लंबे इनके बहुत ज़्यादा लंबे इनके प्लांट्स हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये छोटे छोटे से टमाटर भी लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में फ्रेंड्स। और बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है इन्हें देख करके। अंदर भी छुपे हुए हैं छोटे छोटे टमाटर लगे हुए हैं अंदर की साइड भी, जो हम नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। देखिए इस तरीके से, वहाँ देखिए हर जगह आपको फ्रूटिंग स्टार्ट दिखेगी। ये देखिए इस टाइम हमारे सभी प्लांट्स में अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, अच्छे प्लांट में अच्छे तरीके से टमाटर आ रहे हैं। इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, इनके फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी है। और फ्रेंड, हमने इन्हें कैसे लगाया, ये हमने अपने घर में रखे दो तरीके के प्लांट हैं, मैंने आपको बताया। इस प्लांट को हमने लगाया था घर में रखे हुए अपने टोमेटोज से, बीज से कट करके सीड्स ऐसे ही डाल दिए थे डायरेक्ट। और आप देख सकते हैं ये जो प्लांट है उसी का है, इसी बड़े वाले प्लांट का है, अलग से नहीं है। और इसने कितनी अच्छी ग्रोथ की है, और अब इंशाल्लाह इसमें देखिए अभी इसमें भी आ रहे हैं पूरे इस प्लांट में बहुत अच्छे। और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, अभी ये इस तरीके से फोल्ड हो गया है इसलिए इस तरीके से है, वरना इसकी बहुत हाइट ज़्यादा है। और कई ब्रांचेस हैं इसकी, देख सकते हैं ये भी ब्रांच इसी की है, और इसमें भी खूब अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, हम बता ये रहे थे आपको कि दो तरीके के हमने सीड्स डाले थे, ये देसी वाले हैं जो घर से हमने ग्रो किए हैं, घर में रखे टोमेटो से डायरेक्टली सीड से। और यहाँ जो है ये इस साइड ये जो हैं ये हाइब्रिड सीड्स हैं हमारे, ये वाले जिनमें अभी फ्रूटिंग है, फ्लावरिंग नहीं है, सॉरी फ्लावरिंग है फ्रूटिंग नहीं है। तो देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर गए हैं। तो फ्रेंड्स, और मिट्टी आपको किस तरीके की लेनी है, कैसे उसमें खाद मिलानी है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप अपने हमारे पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में, जिसमें हमने सब सारी जानकारी दी है। और किचन वेस्ट से हम खाद तैयार करते हैं, और किस तरीके से तैयार करते हैं हमने उसको भी 3rd पार्ट में डाल दिया है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। आप घर में बचे हुए सब्जियों के छिलके वगैरह जो फेंक देते हैं, फ्रूट्स के छिलके जो फेंक देते हैं, उनको फेंके ना, उनसे अपना किचन वेस्ट तैयार करें। और देखिए हमारे यहाँ कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, हम बाहर से कभी खाद वगैरह नहीं लेते हैं। तो बस इसी तरीके से खाद डालनी है फ्रेंड्स, और अपने प्लांट्स की केयर करनी है। आप देख सकते हैं फ्लावरिंग और फ्रूटिंग से आपका
जो प्लांट्स है वो भर जाएगा, फिल हो जाएगा। आपको इतनी खुशी होगी इन्हें देख करके जिसकी कोई हद नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे यहाँ जितने भी जिस तरीके के भी प्लांट्स लगे हुए हैं सारे सब तरीके के प्लांट्स ग्रो कर गए हैं। ऐसा कोई प्लांट नहीं है जिसमें फ्रूटिंग स्टार्ट ना हो, इस टाइम सब में फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। सभी तरीके के, हम चाहे हमने टोमेटोज लगाए हों, चाहे मिर्च, चाहे भिंडी, सब में फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। माशाल्लाह देखकर बहुत खुशी होती है। तो आप उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने आपको बताया उसी तरीके से लगाएं, उसी तरीके से प्रॉपर खाद दें, तो इंशाल्लाह आपके यहाँ भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, बहुत अच्छे से प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे। तो आपको हमारे प्लांट्स देख के, टोमेटोज देख के कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ज़रूर कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर पसंद आई हो हमारी वीडियो, हमारी जानकारी, तो लोगों में शेयर करना ना भूलें, और हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और बस आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, अपने अपनों का।